हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर पीएस तिवारी, आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है हेमरेज। हेमरेज माने ब्लीडिंग, खून गिरना। तो मैं आपको आज हेमरेज की टॉप होम्योपैथी दवाई बताऊंगा। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, पहली दवाई का नाम है जिरेनियम मैकुलेटम। इसमें क्या होता है, प्रोफ्यूज पल्मोनरी हेमरेज। प्रोफ्यूज माने ज़्यादा, पल्मोनरी माने लंग्स। खांसी के साथ में या विदाउट खांसी हेमरेज होने लगे लंग्स से, अब प्रोफ्यूज होने लगे तो ये अच्छी बात नहीं है। ब्लीडिंग हो रही है तो आप क्या करेंगे, इमरजेंसी में जाएंगे, डॉक्टर को दिखाएंगे, अस्पताल में भर्ती करेंगे, ठीक है। लेकिन आप जिरेनियम मैकुलेटम 15-15 बूंद करके आधे आधे घंटे पर, 15-15 मिनट पर, जैसा केस का पोजिशन रहे वैसे आप दे सकते हैं। तो एक बार जो है हेमरेज रुक जाएगा। लेकिन हेमरेज क्यों हुआ, इसको आप एक्सरे कराइए, अपने डॉक्टर से मिलिए। लेकिन जिरेनियम मैकुलेटम देना नहीं भूलिए। तो जिरेनियम मैकुलेटम प्रोफ्यूज पल्मोनरी हेमरेज की एक रामबाण दवाई है। दोस्तों, हेमरेज पर अगली दवाई है आर्निका। आर्निका मदर टिंचर। इसमें क्या होता है, इसमें वही होता है, हेमरेज होता है, खून निकलेगा मुँह से, लेकिन इसके साथ में सांस फूलेगी, डिस्पनिया, सांस फूलेगी, सांस फूलेगी, हेमरेज होता रहेगा। सांस फूलना जरूरी है, इसके लिए आपको आर्निका मदर टिंचर घर में रखे रहिए, 10-10 बूंद करके आधा घंटा पर, एक एक घंटा पर, जैसे पेशेंट का पोजिशन है वैसे देते रहिए। तो ये प्रॉब्लम जो है आर्निका मदर टिंचर से ठीक हो जाएगी, पेशेंट को आराम मिलेगा। दोस्तों, हेमरेज का अगला सिम्टम है कान से। कभी कभी आप देखते होंगे कि कान से भी ब्लीडिंग आती है, तो इसके लिए भी आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। अगर कान से ब्लीडिंग आती है तो आप जो है कोनियम मैकुलेटम 30 पावर की 2-2 बूंद करके हर एक 15-20 मिनट पर, आधे घंटे पर देते रहिए, कान से ब्लीडिंग बंद हो जाएगी। लेकिन हेमरेज के हर एक केस में आपको डायग्नोसिस कराना है। इस दवाई से आपको आराम हो जाएगा, लेकिन आपको डॉक्टर से मिलकर अपना डायग्नोसिस, अपना अल्ट्रासाउंड, अपना ब्लड टेस्ट, ये सब कराते रहिए ज़रूर। लेकिन दवाई से एक बार कान से ब्लीडिंग होना बंद हो जाएगा। लेकिन कान से ब्लीडिंग क्यों हुआ, इसका निदान करना ज़रूरी है। दोस्तों, अगली दवाई का नाम है प्लम्बा मेटालिकम। इसमें क्या होता है कि इसमें पेशेंट जो है पैरालिटिक रहता है, पैरालिसिस है। तो अगर पैरालिसिस किसी को है और उसके साथ में हेमरेज हो रही है, तो उसको प्लम्बा मेटालिकम 30 पावर में 2-2 बूंद करके एक एक घंटा पर, तो प्लम्बा मेटालिकम से 100% ठीक हो जाएगा। इसकी यह एक बहुत अच्छी दवाई है। दोस्तों, हेमरेज पर अगली दवाई का नाम है नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड में क्या होता है कि आपने पाइल्स का ऑपरेशन करा लिया, आपको पाइल्स था, बहुत दिन से परेशान थे, ऑपरेशन करा लिया, तो ऑपरेशन कराने के बाद में भी देख रहे हैं ब्लीडिंग हो रही है, तो आप चक्कर में पड़ जाएंगे, फिर डॉक्टर से मिलेंगे कि अरे कि हम तो ऑपरेशन करा लिए फिर भी ब्लीडिंग हो रही है। आप अपने डॉक्टर से मिलते रहिए, समझते रहिए। लेकिन पाइल्स का ऑपरेशन करने के बाद भी अगर ब्लीडिंग होती है तो नाइट्रिक एसिड 30 पावर में 2-2 बूंद करके दिन में 3-4 बार लगातार लीजिए, तो पाइल्स वाली जो ब्लीडिंग है, ऑपरेशन करने के बाद जब ब्लीडिंग होती है, तो नाइट्रिक एसिड इसकी एक रामबाण दवाई है। दोस्तों, अगली दवाई का नाम है हेमरेज पर एस्टिलगो। इसमें क्या होता है कि मेनोपॉज के बाद में ब्लीडिंग लेडीज में बंद हो जाती है, लेकिन कभी कभी ऐसा देखा गया है कि मेनोपॉज के समय या मेनोपॉज के बाद में एक्सेसिव ब्लीडिंग होती है, तो एक खतरनाक चीज़ है ये। जो है कुछ भी हो सकता है, अल्ट्रासाउंड कराना पड़ेगा कि फाइब्रॉयड है, कि सिस्ट है, कि जो एंडोमेट्रोसिस है। तो ऐसे पेशेंट को, ऐसे महिला पेशेंट को एस्टिलगो मदर टिंचर 10-10 बूंद करके हर एक आधे घंटे पर, जब तक ब्लीडिंग नहीं हो जाए तब तक देते रहिए, तो ये प्रॉब्लम उनकी जो है, इस तरह की जो प्रॉब्लम, जो खून निकलता है, ये ठीक हो जाएगा। याद रखिए, मेनोपॉज, ये ब्लीडिंग जो है ओनली फॉर मेनोपॉज। मेनोपॉज के समय जो ब्लीडिंग होती है तब ये दवाई काम करती है। दोस्तों, अगली दवाई का नाम है हेमामेलिस। हेमामेलिस में क्या होता है, जो ब्लीडिंग पाइल्स होती है उसमें जो है एनस रा एंड सोर हो जाता है, दर्द नहीं होता है, खाली रा एंड सोरनेस, छूने से सोरनेस रहेगा खाली एनस में, और ब्लीडिंग होती रहेगी। इसके लिए आपको हेमामेलिस मदर टिंचर 10-10 बूंद करके दिन में 3-4 बार लगातार लेते रहिए, आपका जो है ब्लीडिंग बंद हो जाएगा पाइल्स वाला। अगली दवाई के नाम है हाइपेरिकम। हाइपेरिकम के ब्लीडिंग में क्या होता है, इसमें भी पाइल्स ब्लीडिंग होती है, लेकिन सेंसिटिव एंड पेन एंड सेंसिटिव ऑफ रेक्टम रहेगा इसमें। इसमें पेन भी रहेगा और सेंसिटिव रहेगा छूने से, तो ऐसे केस में हाइपेरिकम ओनेक्स माने मदर टिंचर 10-10 बूंद करके दिन में 3-4 बार लगातार लिया जाए, इस तरह का ब्लीडिंग ठीक हो जाएगा। तो दोस्तों, आज मैंने आपको हेमरेज से संबंधित कुछ दवाइयों का नाम बताया।
अगर आपको ट्रीटमेंट देना है तो आप हमको व्हाट्सएप में मैसेज करके अपना अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। आशा है आपको हमारा आज का वीडियो पसंद आया होगा, इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक मिलते हैं आपसे अगले ऐसे किसी वीडियो में। नमस्कार।